नेक्स्ट डेट कितने तारीख को था? 7 तारीख को। मैं 6 लिखने वाला था। सोल गुड्स ऑफ 10,000 टू सुरेश। ठीक है, मेरे सामने ठीक बुक है, इसलिए मैं आराम से देख रहा हूँ। तुम्हें स्क्रीन पे क्वेश्चन आएगा तो उसकी टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। तो क्या क्वेश्चन क्या दिया है कि सोल गुड्स ऑफ 10,000 टू सुरेश। अब उसने गुड्स से सोल्ड किया है, तो अगर तुम गुड्स सोल्ड कर रहे हो तो तुम्हें क्या पैसा आएगा कि तुम्हें पैसा देना पड़ेगा? अवश्य बात है, पैसा तुम्हें आएगा ना, और क्या तुम्हारे पास जाएगा, क्या सामान जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक और बात है कि यहाँ पे नाम दिया है, जिसको हमने दिया है ना, नाम दिया है। और मैंने तुम्हें बताया था कि अगर किसी क्वेश्चन में नाम आता है तो समझ जाना कि वो उसने क्रेडिट पे लिया है, मतलब लोन पे लिया है। तो अगर वो लोन पे ले रहा है तो इसका सिंपल सा क्या मतलब होगा कि हम, मैंने तुम्हें बताया था कि सेल्स ऑलवेज क्रेडिट साइड, या जो उधार देता है वो भी क्रेडिट के साइड आता है। तो अगर मैंने सामान उसे उधारी दिया है तो मैं सेल्स, मतलब मैंने सामान बेचा है पहली बात, लेकिन उधार पे, तो टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, उसने क्या, और यहाँ पे सुरेश अकाउंट आएगा, क्योंकि सुरेश के पास मेरा, मतलब कि सामान जाएगा सुरेश अकाउंट। और सिंपल भाषा में तुम्हें समझाऊँ तो देखो, तुमने पर्सनल अकाउंट में देखा था डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो डेबिट द रिसीवर कौन? सुरेश। जो पैसा सुरेश क्या गुड्स रिसीव कर रहा है, और गिवर कौन? मैं, मतलब जो सेल्स कर रहा है। तो मैं क्रेडिट के साइड आ जाएगा, वो डेबिट के साइड आ जाएगा। तो आई होप इतना तुमको समझ में आ रहा होगा। तो 10,000 डेबिट और 10,000 क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। 10 तारीख को क्या हुआ? परचेस फर्नीचर फ्रॉम मिस्टर गोविंद ऑन क्रेडिट। अब यहाँ पे साफ साफ दिया है कि उसने लोन पे लिया है। तो अब यहाँ पे मैंने तुम्हें बोला था कि अगर परचेस कोई करता है और या फिर गुड्स लिखा है उसके बाजू में, तो नॉर्मली तुम परचेस अकाउंट लिखेंगे। लेकिन अगर कोई थिंग का नाम दिया है, जो भी परचेस किया है उसका नाम दिया, चाहे मोबाइल हो, वॉशिंग मशीन हो, टीवी हो या फर्नीचर हो, तो उसका नाम आएगा। भले ही परचेस अपने लिए एक्सपेंस है, वो तो है, लेकिन फर्नीचर का नाम दिया है तो इसीलिए हम डेबिट में फर्नीचर लिखेंगे। तो FURNITURE फर्नीचर अकाउंट अपना डेबिट आ जाएगा। तो यहाँ पे DR, OR, यहाँ पे नरेशन लिखना भूल गया, लेकिन नरेशन में यहाँ पे नीचे बता देता हूँ कि सिंपल है, सोल्ड गुड्स ऑफ 10,000 टू सुरेश। ऐसा भी लिख सकते हो, या फिर ऐसा लिख सकते हो कि सोल्ड गुड्स ऑफ 10,000 टू सुरेश ऑन क्रेडिट। ठीक है, तो भी चलेगा, तो तुम्हारे ऊपर है। हाँ, तो सॉरी गाइस, इसमें मैंने नरेशन लिखना भूल गया, इसीलिए कभी कभी ना ऐसा होता है कि अगर तुम जल्दी से लिखते रहते हो तो तुम नरेशन लिखना भूल जाते हो, जिसका 1 मार्क्स कट जाता है। तो ऐसी गलती तुम मत करना। ठीक है, 10th क्वेश्चन में ऐसी गलती नहीं करेंगे। 10th वाला क्या बोल रहा है कि फर्नीचर परचेस किया, तो पहली बात परचेस किया भले हमारे लिए एक्सपेंस है, लेकिन नाम दिया फर्नीचर, तो हमारे हमारे लिए डेबिट होगा। हमारे पास से कैश जाएगा इसीलिए क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो कैश कितना जाएगा अपने पास से? कितने का फर्नीचर था? 30,000 का था ना। लेकिन मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पे एक बंदे का नाम दिया है फर्नीचर, किसके पास है? मिस्टर गोविंद के पास से ऑन क्रेडिट। तो क्रेडिट पे हम लोग ने लिया, तो क्या हमारे पास से अभी कैश जाएगा? नहीं, हमें बाद में कैश देना पड़ेगा ना। बिल्कुल, तो यहाँ पे ऐसा नहीं लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे ऐसा बिल्कुल लिखेंगे, टू गोविंद लिख देंगे। ठीक है, गोविंद अकाउंट लिख देंगे। अभी तुम सोच रहे हो कि हमारे पास से पैसा अभी नहीं, लेकिन बाद में तो पैसा जाएगा ना, तो बाद में जाएगा, बाद का बाद में देखेंगे। अभी के लिए फ़िलहाल तुम्हें बुक्स में बताना पड़ेगा कि तुमने क्रेडिट पे लिया था इसलिए तुम्हारे पास फर्नीचर आया, और गोविंद ने क्रेडिट पे तुम्हें दिया था। ठीक है, तो पर्सनल अकाउंट में डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो रिसीवर कौन? हम, जो फर्नीचर ले रहे हैं। लेकिन गिवर कौन है? गोविंद। वो क्या हमें फर्नीचर दे रहा है, इसीलिए उसका नाम आएगा। 30,000 यहाँ पे था फर्नीचर का कॉस्ट, तो 30,000 लिख देंगे। डेबिट में भी 30,000 लिख देंगे। 1, 2, 3 यहाँ पे नरेशन लिखना इस बार नहीं बोलेंगे कि बिंग परचेस फर्नीचर, फर्नीचर पूरा क्वेश्चन लिख दो, ऑन क्रेडिट, क्रेडिट फ्रॉम मिस्टर गोविंद। ठीक है, मिस्टर गोविंद। तो
चलो नेक्स्ट करते हैं, जो कि अपना डेट किस तारीख को है, 15 को। क्या बोल रहा है कि पेड फॉर रेंट 3000 एंड पेड बाय डेबिट कार्ड। अब कार्ड डेबिट या क्रेडिट, ठीक है, वो तो तुमको पता ही होगा। अब डेबिट कार्ड से पे कर रहा है तो इसका मतलब बैंक से पे होगा। तो सबसे पहला रेंट जो है ना अपने लिए एक्सपेंस है, लेकिन तुम एक्सपेंस अकाउंट नहीं लिखोगे, क्योंकि यहाँ पे पहले ही एक्सपेंस का नाम दे रखा है। तो अगर एक्सपेंस का नाम दे रखता है तो नाम ही लिखना। तो एक्सपेंस क्या है अपने लिए, रेंट है। तो रेंट अकाउंट यहाँ पे आ जाएगा, DR हो जाएगा, और टू बैंक बैंक अकाउंट होगा, क्योंकि हम डेबिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं। तो कितना था भाई, 3000 था, 1 2 3, डेबिट भी 3000। नरेशन, बींग पेड फॉर रेंट ऑफ 3000, या फिर ऐसा लिख सकते हो कि जो भी यहाँ पे दिया हुआ है ना भैया, तो पूरा के पूरा लिख सकते हो, या फिर ऐसा लिख सकते हो कि बाय डेबिट कार्ड बींग पेड फॉर रेंट 3000 ऑफ 3000 बाय डेबिट कार्ड, बाय डेबिट कार्ड। तो इतना समझा गाइस। अब चलो नेक्स्ट नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या है अपना, किस डेट को, 21 को। क्या है, परचेज गुड्स फ्रॉम उर्मिला ऑन क्रेडिट। तो उर्मिला से हम लोगों ने क्रेडिट पे 70,000 का गुड्स परचेज किया। तो मैंने तुम्हें बताया है और अभी भी बता रहा हूँ कि अगर किसी क्वेश्चन में एक बंदा या बंदी का नाम आता है और क्रेडिट का नाम आता है, तो समझ जाना कि वो पर्सनल अकाउंट की बात चल रही है, ठीक है। और पर्सनल अकाउंट में डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर होता है। अब देखो इसे कैसे सॉल्व करते हैं, कि पहली बात, डेबिट द रिसीवर, रिसीवर कौन, मैं हुआ, मैंने क्या गुड्स को परचेज किया, ठीक है। तो पहली बात तो हम परचेज अकाउंट लिखेंगे, ये अपने लिए डेबिट हो जाएगा। गिवर कौन है, उर्मिला, उस पर क्रेडिट पे लिया है ना, उधार पे लिया है। तो ऐसा भी होता है कि अगर तुम उधारी पे किसी से ले रहे हो तो उसका नाम लिख दो, ये मत लिखना कि उसने क्रेडिट पे दिया है तो क्रेडिट अकाउंट लिख देना, नहीं, या उसका नाम लिख देना जो बंदा तुम्हें उधार पे दिया है, और हमेशा उसका नाम आएगा। क्योंकि अगर कैश नहीं आया, किसी बंदे का नाम आया, तो इसका मतलब उसने क्रेडिट पे दिया है या तो लिया है। तो तू उर्मिला, उर्मिला अकाउंट आ जाएगा। डेबिट कितना था, 70,000, 1 2 3, क्रेडिट 70,000। चलो नेक्स्ट करते हैं, फटाफट करते हैं, अब इतना तो तुमको समझ में आ रहा होगा, और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो तुम्हें और समझ में आएगा। 27 डेट को देखा जाए तो पेड फॉर ट्रांसपोर्ट 1000 टू यूनाइटेड ट्रांसपोर्ट। अब पेड कर रहे हैं, पेड अपने लिए एक्सपेंस हुआ, तो ट्रांसपोर्ट का नाम दिया, मतलब एक्सपेंस का नाम दिया है तो ट्रांसपोर्ट है, तो ट्रांसपोर्ट अकाउंट लिख दो। और यार यहाँ पे नरेशन फिर से तुम्हें लिखना होगा, ठीक है, यहाँ पे तुम नरेशन लिख देना, और ये तो तुम्हें आता ही होगा, जो क्वेश्चन में दिया है ना वो भी लिख दोगे तो भी चलेगा। तो यहाँ पे तुम लिख देना, ट्रांसपोर्ट अकाउंट डेबिट हो जाएगा अपने लिए। टू अपने पास से कैश जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें किसी का, बंदे का नाम भी कुछ लिया नहीं, तो इसलिए क्रेडिट आएगा नहीं। लेकिन अगर कॉमन सेंस लगाया जाए, तो तुम ट्रांसपोर्ट का पैसा भर रहे हो, तो तुम्हारे लिए एक्सपेंस है और तुम्हारे पास से कैश जा रहा है, तो ये आ जाएगा। कितना था, 1000 डेबिट, 1000 क्रेडिट, ठीक है। चलो एक नेक्स्ट करते हैं, जो लास्ट वाला है 30। लाइन कम पड़ गया, लेकिन चलो अब इतना मैनेज कर लेंगे, अब इतना आए तो आगे भी आ ही जाएंगे। 30 क्या था, पेड टू उर्मिला 20,000 ऑन बिहाफ ऑफ शर्मिला। बहुत ज़्यादा इजी है, बिहाफ वर्ड जो है ना, इससे कंफ्यूज मत होना। बिहाफ का मतलब क्या होता है, कि अगर मान लो कि तुमने किसी और को पैसा दिया होगा, ठीक है, या तो नया एग्जांपल लेता हूँ, कि मैंने किसी और से पैसा लिया था पर मैं उसे पैसा पे नहीं कर पा रहा हूँ, तो मेरा दोस्त है, उसने मेरे बदले पैसा पे कर दिया, तो नाम मेरा ही आएगा लेकिन दे ओ रहा है, तो उसको, उसका उससे कुछ लेना देना है नहीं। बिहाफ का मतलब वही होता है कि किसी और ने तुम्हारे बदले पैसा किसी दूसरे बंदे को पे कर दिया था, जिसकी वजह से तुमने पैसा लिया था। अब देखो, उर्मिला को हम लोगों ने पैसा दिया ऑन बिहाफ ऑफ शर्मिला, तो शर्मिला पहली बात, तो यहाँ पे सब नाम दिया है ना, यहाँ पे दोनों नाम दिया है, तो पर्सनल अकाउंट आएगा डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो डेबिट द रिसीवर कौन है, उर्मिला, तो उर्मिला अकाउंट आ जाएगा, ठीक है, DR। क्रेडिट द गिवर कौन है, यहाँ पे तुम्हें नरेशन लिखना होगा, ठीक है, नरेशन अब मैं नहीं लिखूंगा, तुम्हें लिखना होगा, क्योंकि नरेशन अब बहुत ईजी है, ठीक है। और यहाँ पे आएगा टू शर्मिला, क्योंकि शर्मिला के हम बिहाफ पे दे रहे हैं और वो गिवर है, इसलिए यहाँ पे उसका नाम आएगा। कितना था, 20,000, 1 2 3, 1 2 3, अबे चीटी कहाँ से आ गई, 20,000 हो गया, ठीक है। अब तुम्हें लास्ट में देखो, यहाँ पे ना नीचे लिखना होगा टोटल, और इसका टोटल करोगे ना, जो भी डेबिट का टोटल करोगे वो क्रेडिट का भी इक्वल होना चाहिए,
तो समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ गाइस? ठीक है, मैं थोड़ा ब्राइटनेस का थोड़ा मीडियम करता हूँ, 1 मिनट को। चलो देखो, अभी टोटल जो करोगे ना, डेबिट का जो टोटल आएगा ये सब ऐड करके, जैसे कि 60 प्लस 30 प्लस 10,000 प्लस 30,000 प्लस 3,000 70,000 1,000 और 20,000, जो भी आंसर आएगा, जैसे मेरा आंसर आ रहा है 2,24,000, वही सेम तुम्हारा क्रेडिट का साइड भी आना चाहिए 2,24,000, तब जाके तुम्हारा पूरा इक्वल होगा और तुम्हारा ये जर्नल बिल्कुल प्रॉपर बनेगा। ठीक है, तो आई होप तुमको ये क्वेश्चन समझा होगा, अगर नहीं समझा तो प्लीज़ कमेंट करके बता देना। ठीक है, अब हम सॉल्व करेंगे सेकंड क्वेश्चन। तो गाइस अब चलो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करके वीडियो को ख़त्म करते हैं, और फिर नेक्स्ट वीडियो आएगा जिसमें क्वेश्चन नंबर 5 और बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में पहला क्या बोल रहा है कि गजानन का बुक्स बनाना है, उसने जो भी ट्रांजेक्शन किए हैं। ठीक है, थीके? और फिर उसके बाद 2019 मई का चल रहा है, तो मैंने यहाँ पे फॉर्मेट बना रखा है, तो पहले यहाँ पे 2019 लिखेंगे मई। ठीक है, ऊपर आपको बताया था कि पहले लाइन में इन द बुक्स ऑफ गजानन और नीचे जर्नल, जो कि यहाँ पे आना चाहिए। ओके चलो, अब पहला देखते हैं कितने तारीख को उसने पहला ट्रांजेक्शन किया। 3 तारीख को, जो कि था परचेस गुड्स फॉर 90,000 एंड अमाउंट पेड बाय डायरेक्टली, मतलब बैंक से डायरेक्टली पेड किया। तो डेबिट क्या होगा, हमारे पास गुड्स आएगा, तो परचेस पहले अकाउंट लिखेंगे, डेबिट परचेस अकाउंट, क्योंकि हमारे लिए एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस का नाम नहीं दिया, गुड्स दिया, इसलिए परचेस लिख देंगे। और यहाँ पे डीआर अपने पास है, कैश जाएगा, लेकिन इसने डायरेक्टली बैंक से पे किया, तो यहाँ पे सीधा हम बैंक लिखेंगे, कैश नहीं लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट। कितने का था, 90,000, 1 2 3 1 2 3। नरेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और लिखा है बींग परचेस गुड्स फोर 90,000, 1 2 3। ठीक है, एंड पेड बाय डायरेक्टली, लेकिन इतना लिखने की ज़रूरत है नहीं, ये लिख दो चलेगा। नेक्स्ट क्या है, 7 तारीख को कौन सा ट्रांजेक्शन है, सोल्ड गुड्स टू सतीश ऑन क्रेडिट। अब यहाँ पे मैंने तुम्हें लास्ट में बताया था कि अगर किसी बंदे का नाम और क्रेडिट दोनों आता है, तो इसका मतलब पर्सनल अकाउंट की बात है, तो डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, हमने गुड्स बेचा। ठीक है, सतीश को बेचा, तो सतीश क्या हुआ, रिसीवर हुआ, बराबर। लेकिन अब यहाँ पे ध्यान से देखा जाए, तो मैंने तुम्हें बताया था कि सेल्स ऑलवेज क्रेडिट साइड आएगा। ठीक है, सेल्स ऑलवेज क्रेडिट साइड आएगा, तो हम क्या करेंगे, टू सेल्स अकाउंट लिखेंगे। देखो इस ट्रांजैक्शन में कोई भी गलती नहीं होगी, मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे, क्योंकि देखो सेल्स हमेशा क्रेडिट साइड आता है, ये एक रूल है, ठीक है, ये चेंज नहीं होता। अब डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर होता है, अब मैंने गुड्स उसको बेचा, तो मैंने तो सेल किया, तो टू सेल्स अकाउंट आएगा, मैं रिसीवर सॉरी गिवर बन गया। रिसीवर कौन है, सतीश है, सतीश ने क्या, सतीश ने गुड्स को रिसीव किया। ठीक है, सोल गुड्स टू सतीश, मतलब हमने उसको बेचा ना, तो सतीश अकाउंट डेबिट, जो कि यहाँ पे आ जाएगा 30,000, क्रेडिट में भी 30,000। नरेशन भाई इस बार तो ना ही भूलो, अच्छा है, बिंग सोल्ड गुड्स टू सतीश, ठीक है, सतीश ऑन क्रेडिट ऑन ऑफ 30,000, यहाँ पे 1 2 3। ठीक है चलो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हुआ 9, पेड फॉर पोस्टेज, पोस्टेज के ऊपर पे कर रहे, मतलब तुम उसका बिल दे रहे हो, तो तुम्हारे पास से पैसा आएगा कि जाएगा, दिमाग लगाओगे तो बिल्कुल पैसा जाएगा, तो डेबिट में क्या है, पेड फॉर पोस्टेज ना, तो पोस्टेज का नाम पहले से ही नाम दिया है एक्सपेंस का, तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, अपने पास से कैश जाएगा क्रेडिट, कितना था 10,000, 1 2 3, क्रेडिट में सेम 1 2 3, यहाँ पे नरेशन बीइंग पेड फॉर पोस्टेज, पोस्टेज ऑफ 10,000, 1 2 10,000। चलो नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट कितना था, 12 तारीख को पेड फॉर वेजेस, वेजेस को पेड कर रहे हैं, मतलब पैसा जाएगा, तो वेजेस अकाउंट डेबिट,
कैश अपने पास से जाएगा, कितना जाएगा भाई? कितना? 15,000, 15,000 गया गया, ये 15,000, 1 2 3। नरेशन, बीइंग पेड फॉर वेजेस 15,000, 1 2 3। नेक्स्ट करते हैं, जो कि डेट है 15 को, रिसीव चेक ऑफ 30,000 फ्रॉम सतीश। देखो यहाँ पे सतीश आएगा, यहाँ पे ऐसे TI लिखा लिखा, टोटल सतीश है, क्योंकि अगर तुम देखोगे तो डेट 7 को जो ट्रांजैक्शन हुआ था वो सतीश का ही हुआ था, तो उसी का चेक रिसीव हुआ है, तो दिमाग थोड़ा ज़्यादा लगाने की जरूरत है नहीं, नॉर्मल सा है। तो अगर तुम चेक रिसीव कर रहे हो तो जो पैसा तुम्हारे पास आएगा, क्या तुम्हारे हाथों में आएगा, तुम्हारे बैंक में आएगा? तो बैंक में आएगा ना, तो डेबिट बैंक अकाउंट लिख देंगे, ठीक है, बैंक अकाउंट, ठीक है। अब देखो, मैंने तुम्हें बोला था कि पर्सनल अकाउंट में ना बैंक का भी नाम आता है, रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट होते हैं, फिर उसके बाद जो ग्रुप्स में जो अकाउंट खोलते हैं या फिर जिनका नाम रहता है, जैसे बैंक का नाम हो गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, या फिर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, तो ये सब पर्सनल अकाउंट के अंदर आते हैं। अगर तुम्हें लर्न होगा तो अच्छे से पता होगा। तो बैंक अकाउंट पर्सनल में आता है, तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो रिसीव कौन कर रहा है? बैंक रिसीव करेगा चेक, ठीक है। गिवर कौन है? सतीश है, सतीश के पास से हमें चेक मिला है ना, वही लिखा है ना क्वेश्चन में, रिसीव चेक ऑफ 30,000 फ्रॉम सतीश। तो तू सतीश अकाउंट आ जाएगा, कितना था? 30,000, 1 2 3, 1 2 3। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन करते हैं। अच्छा हाँ, नरेशन भूलने ही वाला था अभी मैं, लेकिन अच्छा हुआ देख लिया। बींग चेक डिपॉजिट, नहीं, चेक रिसीव, चेक रिसीव ऑफ 30,000, 1 2 3 फ्रॉम सतीश, ठीक है, इतना हो गया। चलो नेक्स्ट, 21, रिसीव डिविडेंड। अब डिविडेंड का मतलब क्या होता है पता है? एक टाइप का इनकम होता है जो कि शेयर होल्डर को ही मिलता है, और शेयर होल्डर जो पैसा कमाते हैं ना, उनको जो पैसा मिलेगा वो सब सीधा बैंक में जाता है, ठीक है। कोई भी शेयर होल्डर या कोई भी, अगर तुम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो तुम्हें कैश नहीं मिलेगा, सीधा तुम्हारे बैंक में पैसा जाता है। तो याद रखना, बैंक में पैसा जाएगा तो सीधा बैंक अकाउंट रहेगा, ठीक है, समझ में आया? तो अगर डिविडेंड रिसीव कर रहा है तो पहला डेबिट बैंक अकाउंट, ठीक है, तो बैंक अकाउंट रहेगा, रिसीव डिविडेंड 5,000, तो बैंक अकाउंट टू डिविडेंड अकाउंट, ठीक है, डिविडेंड अकाउंट हो जाएगा, कितना था? 5,000, 1 2 3, 5 3। तो चलो नेक्स्ट करते हैं, जो कि 25। एक मिनट, एक काम करता हूँ, मैं थोड़ा लाइन और खींच लेता हूँ, ठीक है। तो गाइस चलो आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। मैंने पूरी तरीके से लाइन पूरा एंड तक कर लिया है, ठीक है। अब चलो देखते हैं आगे, आगे का क्या है। 25 तारीख को ट्रांजेक्शन हुआ था, क्या हुआ था? परचेस लैपटॉप ऑफ 40,000 एंड पेड बाय चेक, मतलब 40,000 का लैपटॉप उसने खरीदा, चेक से पे किया। तो अपने पास लैपटॉप आएगा, तो परचेस का जो एक्सपेंस है अपना लैपटॉप है, तो लैपटॉप का पहले से नाम दिया है ना यार, तो लैपटॉप अकाउंट आ जाएगा अपना, डेबिट के साइड आ जाएगा। बहुत इजी लग रहा है ना तुम्हें? बिल्कुल, सोचो दो क्वेश्चन सॉल्व किया, इतना इजी लग रहा है, तो अगर तुम 5 6 10 15 20 सॉल्व कर लोगे यार, तब तो तुम्हारे लिए एकदम, मतलब रात को भी कोई पूछा ना कि परचेस किया तुमने लैपटॉप और तुमने चेक से पे किया तो बता जर्नल एंट्री, तो तुम नींद में बता दोगे। तो चलो आगे देखते हैं, लैपटॉप अकाउंट डेबिट हो जाएगा, तू अपने पास से कैश जाएगा, लेकिन इसने चेक से पे किया, मतलब कि तू बैंक अकाउंट होगा, ठीक है, तू बैंक अकाउंट। और मैंने यहाँ पे एक और बात, यहाँ पे तुमको नरेशन लिखना होगा, ठीक है, नरेशन लिख देना, डेबिट क्या आएगा? 40,000, 1 2 3, 40,000, 1 2 3, नरेशन यहाँ पे मैं इसका लिख देता हूँ ताकि इजी पड़े। बिंग परचेज लैपटॉप ऑफ 40,000 एंड पेड बाय चेक, पेड बाय चेक, ठीक है, 25 हो गया। अब एक और बात, अगर देखो ट्रांजेक्शन मतलब और बच जाता है, मतलब और ट्रांजेक्शन करने होते हैं ना, तो तुम्हें क्या पढ़ने क्या करना पड़ेगा कि सेकंड पेज पे ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें टोटल करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जितना भी टोटल होगा तुम्हें यहाँ पे नीचे पहले ये लिखना पड़ेगा, टोटल लाइन मार के, मतलब ऐसा तुम्हें लाइन लेना पड़ेगा, फिर यहाँ पे तुम्हें टोटल लिखना पड़ेगा, ठीक
ठीक है, टोटल लिखना पड़ेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे नया फॉर्मेट बनाना पड़ेगा फिर से वैसा डेट पर्टिकुलर। तो एक काम करता हूँ, मैं फॉर्मेट बनाता हूँ, ठीक है। तो गाइस मुझसे जैसे जैसे जल्दी जल्दी बना फॉर्मेट, मैंने बना दिया। अब यहाँ पे हम लोग वैसा ही करेंगे, डेट लिखेंगे, पर्टिकुलर लिखेंगे, फिर उसके बाद LF, फिर उसके बाद अपना अमाउंट डेबिट, और उसके बाद अमाउंट, यहाँ पे CR क्रेडिट ऊपर लिख देना कि तुम संभाल लेना। और हाँ एक और बात बताना भूल गया कि अपने स्कूल में या फिर अपने कॉलेज में तुम एक बार अपने टीचर से बिल्कुल डिस्कस कर लेना, क्योंकि हो सके तुम्हारा टीचर कुछ और ही बोले। हर एक स्कूल का टीचर अगर अलग अलग बोल रहे तो मतलब हो भी सकता है, चांसेस है इसके। अगर पता चला कि एक टीचर बोला कि नहीं एक ही पेज पर कंपलसरी है, एक ही पेज पर तू बना, तो एक बार अपने टीचर से एक बार डिस्कस ज़रूर कर लेना, ठीक है। बाकी देख लेना जैसा बोलेंगे, अगर वो बोले कि एक पेज में कर तो कोई बात नहीं, एक ही पेज में करेंगे, थोड़ा छोटा हैंडराइटिंग बना के लिखेंगे, कोई बात नहीं, चल रहा है। तो एक बार यार अपने टीचर से डिस्कस कर लेना। वेल अभी वीडियो ख़त्म होने आया है, 25 तारीख तक ट्रांजेक्शन हम लोगों ने कर रखा था, और मैंने तुम्हें बताया था कि अगर नेक्स्ट पेज पे जा रहे हो तो इन सब का टोटल कर लेना। हालांकि मैंने अभी टोटल नहीं किया, मैं बाद में एक ही बार में सब कर लूँगा, लेकिन तुम कर लेना। क्यों कर लेना? क्योंकि अगर तुमने इन सब का पहले से टोटल कर रखा होगा तो तुम्हें सिर्फ इनका टोटल करना है, जो कि बहुत ईजी होगा। ओके, तो यहाँ पे पहले 2019 लिखेंगे, नया नया सब बना रहे इसीलिए। अप्रैल नहीं, मई, तो मई कितने तारीख को आप कर रहे हैं, 28। डिपॉजिट कैश 10,000 बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हमारा पर्सनल अकाउंट है, तो क्या होगा हमारे लिए, डेबिट द रिसीवर रिसीव कर रहा है, और बैंक का नाम दिया है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वही लिख देंगे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट DR। तू क्या कर रहा है भाई, अपने पास से कैश जा रहा है ना, तू कैश, तो कितना जा रहा है कैश, 10,000। 1, 2, 3 रिसीव बैंक कितना कर रहा है, 1, 2, 3 10,000। तो बिंग कैश डिपॉजिट, डिपॉजिट कितना, 10,000 इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। चलो लगता है एक लाइन एक्स्ट्रा मारना ही पड़ेगा, खैर कोई बात नहीं, मैनेज कर लेंगे। लास्ट है अपना 31 ट्रांजेक्शन, डेट कब हुआ था, परचेज लैपटॉप फॉर 40,000 एंड पेड बाय RTGS। RTGS का फुल फॉर्म है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, और ये तब होगा जब तुम बैंक टू बैंक थ्रू करोगे। मतलब कि अगर तुमने बैंक से ट्रांजेक्शन बैंक में डायरेक्टली बैंक में पेड किया है ना, अगर किसी भी बंदे के पास अगर तुम परचेज कर रहे हो, तो मान लो तुम्हारे पास कैश नहीं है, इसलिए तुमने अपने बैंक अकाउंट से सीधा पैसा ट्रांसफ़र करके किसी और बंदे के बैंक अकाउंट में डाल दिया, तो वो RTGS कहलाएगा। तो उससे हमें RTGS से कुछ लेना देना नहीं है, वो बस हमें कंफ्यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो पहली बात, डेबिट में अपने पास क्या आएगा, गुड्स है तो परचेस अकाउंट, क्योंकि गुड्स का दिया है, परचेस का नाम नहीं दिया, तो परचेस अकाउंट डेबिट क्या जाएगा अपने पास, पैसा जाएगा लेकिन सीधा बैंक से, क्योंकि RTGS से पे किया, तो टू बैंक अकाउंट कितना था, 40,000। 1, 2, 3 1, 2, 3 40,000 हो गया। अब लास्ट में तुम्हें यहाँ पे टोटल लिखना है, लाइन मार के ऐसा ऊपर से पूरा लाइन मार के, और फिर यहाँ पे तुम्हें अमाउंट, तो पूरा अमाउंट जब मैंने कैलकुलेट किया तो 2,70,000। ऑब्वियस ये बात है यार, कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, पहले से ही आंसर लिखा रहता है, तो तुम कैलकुलेट करना, क्योंकि अगर गलती से डेबिट ज़्यादा क्रेडिट कम हुआ तो नुकसान तुम्हारा, पूरा जर्नल तुम्हारा ख़राब हो जाएगा, पूरे मार्क्स चले जाएंगे इसीलिए, ठीक है। और एक और बात बताता हूँ कि तुम में से काफ़ी सारे लोग दिमाग लगा रहे होंगे कि एक काम करते हैं ना, हम सारे जर्नल के जो अपना टोटल आंसर है, जो टोटल अमाउंट है, वो लर्न कर लेंगे। हालांकि ये पॉसिबल तो नहीं है, पर अगर फिर भी तुम कर लेते हो ना, तो तुम्हें एक बात बता दूँ कि जर्नल में कौन सा भी क्वेश्चन कहीं से भी उठा के आ सकता है। अगर मान लो क्वेश्चन नंबर 2 में जर्नल 3 जर्नल है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का 3 क्वेश्चन है ना, उठा के क्वेश्चन नंबर 2 में डाल देंगे और एक ही जर्नल में बनाने को बोल देंगे, तो तुम्हारे लिए बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगा। और अमाउंट भी बढ़ा सकते हैं घटा सकते हैं, सब उनके हाथ में। तो बेहतर होगा कि कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, ऐसा ट्रिक्स या लोचा लफागा मत करो, बाकी सब तुम्हारे हाथ में यार, ठीक है। ऑलरेडी 35 मिनट्स का वीडियो हो चुका है, प्लीज़ आखिरी बार बोल रहा हूँ, एक बार कॉन्सेप्ट समझ लेना, नहीं समझा तो कमेंट करो। और हाँ,
चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो और एक मोटिवेशनल वाला कमेंट जरूर करना ताकि मैं और ज़्यादा वीडियो बना पाऊँ। ठीक है, तो टेक केयर, बाय बाय, फिर मिलूँगा एक और नए वीडियो में।